बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन। तो देखते हैं सबसे पहले सेल डिवीजन होती क्या है। सो द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड होता है उसको कहते हैं सेल डिवीजन। मतलब क्या है कि जैसे कि ये ज़रूरी क्यों होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, पहले छोटा सा होता है, फिर वो एक ह्यूज ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस तरह से होता है कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि सेल डिवीजन स्टार्ट रहती है तो इसी तरह उसकी ग्रोथ होती है और वो एक ह्यूज ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा होता है, इसलिए ये सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं सेल जो है वो डिवाइड कैसे होता है। इस तरह से ये, लेट सपोज आपके पास एक सेल है, तो इसमें सेंट्रोसोम वगैरह होता है, जो भी इसके पार्ट्स होते हैं। इस तरह से ये सेल डिवाइड हो जाता है आगे टू सेल्स में। तो हमारे पास दो टर्म्स होती हैं सेल डिवीजन के लिए। तो एक हमारे पास होता है पेरेंट सेल और दूसरा हमारे पास होता है डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल है, दूसरा डॉटर सेल है। पेरेंट सेल क्या होता है? द सेल विच डिवाइड्स। तो जो सेल डिवाइड होता है वो पेरेंट सेल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो सेल है ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? पेरेंट सेल होगा। ये हमारा पेरेंट सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है। और डॉटर सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सेल। सेल की डिवीजन के बाद जो सेल बनते हैं वो होते हैं डॉटर सेल। तो ये हमारे जो दो हैं ये क्या हैं? डॉटर सेल्स हैं। ये दो हमारे पास डॉटर सेल्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, ये आपके पास होगी सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी टाइप्स क्या होती हैं और किन किन में ये यूज़ होता है। उससे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास इसके जो सेल डिवीजन है इसके तीन फेजेस होते हैं, यानी तीन इसके स्टेजेस हैं जिसके बाद एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो स्टेज नंबर 1 इसका है इंटरफेज। ये इसका फर्स्ट जो है वो स्टेज है। दूसरा हमारे पास होता है आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन होती है। और थर्ड फेज आपके पास होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये तीन स्टेजेस होते हैं जिनसे गुजर कर एक सेल को डिवाइड होना है। मतलब जो आपकी सेल डिवीजन है, एक सेल ने डिवाइड होना है तो उसने इन तीन स्टेजेस से गुजर कर करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्टेजेस क्या है, इंटरफेज क्या होता है। इसमें आपके क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। मतलब इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट होंगे। अगर एक क्रोमोसोम आपके पास होता है पेरेंट सेल में तो आगे जाके उसके दो बन जाएंगे, और दो होंगे तो उसके चार क्रोमोसोम बन जाएंगे। मतलब इंटरफेज में आपकी क्या होगी? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी। क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंटरफेज। तो नेक्स्ट हमारा स्टेज है न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें जो है वो नाम से ही जाहिर है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो डिवाइड हो जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है या फिर इसकी सेल की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये तीन फेजेस होते हैं सेल डिवीजन में। अब सेल डिवीजन की टाइप्स हम पढ़ेंगे, उसमें जो भी टाइप आएगी उसमें अब ये तीन फेज लाजमी होंगे। मतलब जो भी टाइप है उसमें इंटरफेज भी होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगी और साइटोप्लाज्म। इन तीन स्टेजेस के बाद जो सेल आपका है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है माइटोसिस होती है, और दूसरी टाइप होती है आपके पास मियोसिस होती है। अब ये दो टाइप्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सेल डिवीजन में जो तीन फेज होते हैं, इंटरफेज, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस, तो वो तीनों जो फेज हैं, स्टेज हैं, वो इन दोनों में भी होंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले इंटरफेज होगी, इंटरफेज का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा होगा न्यूक्लियर डिवीजन होगा और लास्ट में हमारा जो थर्ड था वो था साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन।
तो ये तीन फेज होंगे इन दोनों में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है माइटोसिस के बारे में। तो देखते हैं जी माइटोसिस क्या होती है। ये है जी हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, इनटू टू डॉटर सेल्स। द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इन टू टू डॉटर सेल्स, तो वो होती है माइटोसिस। ठीक है, तो ये भी सेल डिवीजन है जैसा कि आपको पता है। अब हम देखते हैं कि इसके तीनों फेजेस जो हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे ये सेल डिवीजन हमारे पास इसकी कंप्लीट होती है। ठीक है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो नेक्स्ट हम जब इसमें उसके डिवीजन को देख लेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे पास ऐड हो रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि एक सेल होता है, जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, सेल है, इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं। ये आपका पहला क्रोमोसोम है और इस तरह से कुछ आपका होता है दूसरा क्रोमोसोम। ये आपके पास इस सेल में क्या है, दो क्रोमोसोम्स हैं। ये इसके पास एक सेंट्रोसोम होता है, सेल के अंदर सेंट्रोसोम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल डिवीजन के लिए, बिकॉज इससे बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो कि सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेल को एक अलाइनमेंट, क्रोमोसोम्स को अलाइनमेंट देते हैं और उसको डिवाइड करने में हेल्प देते हैं हमें। तो देखते हैं जी क्या है इसमें हमारा, ये सेल है, एक सेल है, पेरेंट सेल है, जिसने आगे डिवाइड होना है। इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा फेज होगा, इंटरफेज होगा, इंटरफेज। याद है आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरफेज में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स की क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। अगर एक क्रोमोसोम है तो वो डिवाइड होगा दो में, और यहाँ पर हमारे पास दो हैं तो वो कितने में डिवाइड होंगे, वो चार क्रोमोसोम्स में डिवाइड होंगे। लेकिन याद रहे, इंटरफेज के दौरान जब क्रोमोसोम की मल्टीप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन होती है, तो वो पेयर की फॉर्म में होती है, यानी एक का डुप्लीकेट बनेगा दो और दूसरे का डुप्लीकेट बनेगा दो, और हमारे पास टोटल क्रोमोसोम जो नए बनेंगे वो चार होंगे, लेकिन पेयर की फॉर्म में। देखते हैं जी किस तरह से ये हमारे पास आगे नेक्स्ट स्टेज का आ गया। ये हमारा इंटरफेज चल रहा है, चार क्रोमोसोम हो जाएंगे, बनेंगे किस तरह, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास बन जाएंगे जी चार क्रोमोसोम, ठीक है। जी ये हमारे पास चार क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, किस तरह से, एक दो तीन और ये चार, चार क्रोमोसोम बन चुके हैं। तो ये हमारा इंटरफेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और इन क्रोमोसोम्स की क्या होगी, अलाइनमेंट होगी हमारे पास। तो देखते हैं जी किस तरह से होगी। ये हमारे पास जो है स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे कुछ इस तरह से। जी स्पिंडल फाइबर्स बन गए और यहाँ हमारे क्रोमोसोम्स की जो है वो अलग से अलाइनमेंट हो जाएगी। ये इस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे ये। तो ये नेक्स्ट फेज हमारा था। अब हमारे पास न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं किस तरह से न्यूक्लियस डिवीजन होती है। ये हमारे क्रोमोसोम्स की जो है वो अलाइनमेंट हुई है स्पिंडल फाइबर्स के जरिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए, और अब इसको हम नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ये डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस तरह से। जी ये देखें, ये हमारे पास जो है ये एक क्रोमोसोम अलग हो चुका है और ये दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पर हमारा थर्ड क्रोमोसोम आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा फोर्थ क्रोमोसोम। तो देख रहे हैं कि ये हमारे पास हो चुकी है न्यूक्लियर डिवीजन। ये हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हो चुकी है, यहाँ पर हमारा जो क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट मजीद डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आकर इस फेज में क्या होता है कि आफ्टर द डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम शैलो ग्रूव आ जाता है इसकी शेप में। शैलो ग्रूव मतलब यहाँ से जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ ऐसे दबना शुरू हो जाता है, अंदर की तरफ इसकी शेप हो जाती है सेंटर में से, ठीक है। जैसा कि आपके पास अगर एक चाइना क्ले की बॉल हो, आप उसको दरमियान से पिंच करें, दबाएं, तो वो उसकी दो शेप्स इधर से अलग बन जाती है, इधर से अलग, दरमियान से वापस में मिल जाता है, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये यहाँ से पिंच हो रहा है और नेक्स्ट इसकी शेप जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरमियान से जो है इस तरह से हो गया है, और यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं
वो डिवाइड हो चुके हैं अलग से दोनों सेल्स के अंदर, ठीक हो गया। ये आपकी होगी साइटोकाइनेसिस होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा सेल जो है अब कम्प्लीटली तौर पर जो है वो डिवाइड हो चुका है जी। ये इस तरह से होती है हमारे पास सेल डिवीजन। तो एक बार देखें इसके अंदर के हमारे पास जो पेरेंट सेल था, आपने कहा था पेरेंट सेल कौन सा होता है, द सेल विच डिवाइड्स। तो ये हमारा था पेरेंट सेल, और जो दो सेल्स आगे बनते हैं वो होते हैं डॉटर सेल्स। ये हमारी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारी सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बात आप नोट करें कि यहाँ पर देखिए पेरेंट सेल में भी दो क्रोमोसोम्स थे आपके पास, और लास्ट में जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी आपके पास दो ही क्रोमोसोम हैं हर एक सेल में। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो सेम रहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन में ऐड कर दें, माइटोसिस द प्रोसेस इन विच अपेरेंट सेल डिवाइड्स इंटू टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। तो माइटोसिस के दौरान हमारा जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो उसमें क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मियोसिस पढ़ेंगे। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।